एक बॉय है नेम्ड अविरत, उसकी पॉकेट मनी है। क्या आप बता सकते हैं कि ये कितना अमाउंट है इन ऑल टोटल? यस, क्योंकि आज हम मनी पढ़ेंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्लास थ्री मनी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। ये मैम ने आज नोट्स बना रखे हैं। यस, क्योंकि आज हम मनी पढ़ेंगे। सबका सपना मनी मनी मनी, ठीक है? रुपीज, नोट्स, कॉइन, ठीक है सब। आप, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ठीक है? ये कुछ नोट्स मैंने ड्रॉ कर रखे हैं। ये एक बॉय है नेम्ड अविरत, उसकी पॉकेट मनी है। क्या आप बता सकते हैं कि ये कितना अमाउंट है इन ऑल टोटल? टोटल अमाउंट आपको क्या करना है? 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 क्या हो गया? 100 प्लस 50 150, 150 प्लस 20 170, 170 प्लस 10 180 रुपीज है टोटल पॉकेट मनी, ठीक है? अब मनी में हम आगे क्या पढ़ेंगे? कन्वर्जन ऑफ रुपीज इंटू पैसा, कन्वर्जन ऑफ पैसे टू रुपीज, फिर एडिशन ऑफ मनी, सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन और सबकी वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है? अभी मैम ने एक टर्म यूज किया था, कन्वर्जन ऑफ रुपीज टू पैसा। पैसा क्या होता है? आप लोगों ने शायद किसी के घर में कलेक्शन हो 50 पैसे के कॉइन का, 20 पैसे के कॉइन, 25 पैसे पहले चलते थे, ठीक है? आप लोग देख सकते हैं, अगर किसी के घर में हो तो 1 रुपी में कितना होता है? 100 पैसे होते हैं 1 रुपी में, ठीक है? मतलब 250 पैसे, 50 पैसे मिलके क्या बनाएंगे? 1 रुपी, ठीक है? 25 पैसे, 25 पैसे के 4 कॉइन मिलके बनाएंगे 1 रुपी, 20 पैसे के 5 कॉइन मिलके बनाएंगे 1 रुपी। आई होप आप समझ गए हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं फर्स्ट टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ रुपीज इनटू पैसे। नाउ सी, रुपीज को आपको पैसे में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको अभी क्या बताया था? 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। रुपी को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, पैसे को पी से डिनोट करते हैं, ठीक है? 7 रुपीज में कितने पैसे होंगे? आप क्या करेंगे? 7 multiplied by 100, 700 पैसे। नाउ 96 रुपीज 0.08 पैसे। कहीं पर ऐसे लिखे हो रुपीज, तो जो ये पॉइंट के पॉइंट, मतलब डेसिमल आपने पढ़ा है चैप्टर 3, जो पॉइंट के इधर नंबर्स होते हैं वो रुपीज होते हैं, और जो पॉइंट के उस तरफ है वो क्या है? पैसे। पॉइंट के राइट हैंड साइड पैसे, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड रुपीज, ठीक है? अब रुपीज को पैसे में करो, ये तो ऑलरेडी पैसे में है। 96 into 100 plus 8, 08 means 8, ठीक है? 9600 plus 8 क्या आ गया? 9608 पैसे। आई होप आप समझ गए। अब अगर होल नंबर में कोई रुपीज होंगे आप कर लेंगे, डेसिमल फॉर्म में होंगे, पॉइंट की फॉर्म में होंगे आप कर लेंगे, ठीक है? पैसे में कन्वर्ट। आप देखते हैं पैसे को रुपीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। नाउ सी, कन्वर्जन ऑफ पैसे इनटू रुपीज, ठीक है? रुपीज को पैसे में कर रहे थे तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब पैसे को रुपीज में करेंगे तो उसका रिवर्स, डिवाइड करेंगे 100 से। 1 to 1 5 divided by 100, ठीक है? अब
हंड्रेड से डिवाइड करेंगे, हंड्रेड से डिवाइड जब करते हैं तो कैसे होता है आंसर, राइट से चलते हुए दो जीरो है नीचे, दो डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दो, आंसर आ जाएगा। वन टू वन फाइव है, दो डिजिट राइट से चलो, दो डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो, आपका रुपीज में आंसर आ गया। सिंपल। ये देखिए, 907 डिवाइडेड बाय 100, क्या बोला मैम ने, राइट से चलो, दो डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो, आंसर आ गया। कोई भी नंबर हो, थ्री डिजिट, फोर डिजिट, फाइव डिजिट, आप आसानी से रुपीज में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर पैसे में दिया है रुपीज में कर लेंगे, अगर रुपीज में दिया है तो पैसे में कर लेंगे, ये आपको आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नाउ सी एडिशन ऑफ मनी, आपको दो रुपीज दिए हो, तीन रुपीज जो पैसे दिए हो, आपको ऐड करके बताना हो कि ये कितना अमाउंट है, आप कर लेंगे। देखिए पॉइंट्स में दे रखा है 25.20, ठीक है, और 9.78, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा, वंस प्लेस के नीचे डेसिमल वाले, वंस प्लेस के नीचे डेसिमल वाले, फिर टेंस के नीचे टेंस वाले, फिर पॉइंट्स के इधर भी डेसिमल के नीचे डेसिमल, और डिजिट के नीचे डिजिट, ठीक है, और बस सिंपली ऐड कर देंगे। 0+8, 8, 2+7, 9, 9+4, 5, 14, 4 यहाँ आएगा और 1 कहा जाएगा कैरी में, और ये हो जाएगा 3 रुपीज 34.98। आई होप आप एडिशन कर लेंगे, सिंपल एडिशन है, पॉइंट के नीचे पॉइंट और डिजिट्स के नीचे डिजिट्स लिख के आप आराम से एडिशन कर लेंगे। अब देखते हैं एक वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एडिशन। एडिशन है, इसमें स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन दिया होता है, आपको पढ़ना है, एनालाइज करना है, थ्योरी भी लिखनी होती है इसमें आपको, क्योंकि आपको थ्योरी दे रखी है, ठीक है। नाउ देखिए कैसे लिखते हैं, ठीक, सौरभ बॉट अ पेन फॉर रुपीज 5.25, अ टाई फॉर रुपीज 10.30 एंड अ बुक फॉर रुपीज 9.95, हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल फॉर दीज आइटम्स। सौरभ ने तीन आइटम्स खरीदे हैं, पेन, टाई एंड बुक, तो ये पूछा गया है कि इन आइटम्स पे कितना स्पेंड किया उसने, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ पेन क्या है, 5.25, ठीक है। नाउ कॉस्ट ऑफ टाई क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट 30, फिर इधर है 10, ठीक है, यहां पर एक ही डिजिट थी तो यहां पर एक डिजिट एक्स्ट्रा है तो वो इधर आ गई, ठीक। नाउ कॉस्ट ऑफ बुक 9.95, बस सिंपली अमाउंट ही स्पेंट, क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, ऐड करो 5, 5, 10, 1 कैरी में, 2 और 3, 5, 5 और 9, 14 और 1, 5, 15, 1 कैरी में, पॉइंट वही लगेगा, 1 कैरी में जाएगा, डोंट गेट कंफ्यूज, 15 आया था, 5 यहां लिखा, 1 कैरी में, 5 और 9, 14 और 1, 15 का 1, 5 यहां आया और 1 कहां जाएगा कैरी में, 1+1, 2, 25.50 रुपीज वर स्पेंड बाय सौरभ इन बाइंग ऑल द 3 आइटम्स। आई होप आप समझ गए हैं, वर्ड प्रॉब्लम में एडिशन ही करना था, बस ये थ्योरी एक्स्ट्रा लिखी है, ठीक है। नाउ आई मूव टू सब्ट्रैक्शन। नाउ सी दिस, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल सब्ट्रैक्शन है, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट एंड डिजिट्स के नीचे डिजिट्स, 8, 6.36, 8 में से 6 माइनस किया 2, 7 में से 8 नहीं जाएगा, क्या करेंगे, उधार लेंगे, क्या करेंगे, बोरो, मेरा सब्ट्रैक्शन का वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, बोरो करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 17, 17 में से 8 गया तो कितना आएगा 9, यस, यहाँ पर क्या रह गया 8, यहाँ पर जब आपने एक बोरो ले लिया तो 9 की जगह क्या रह गया 8, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 गया 1,
ये आपके पास आंसर आ गया। आई होप आप समझ गए। आप जल्दी से देखते हैं एक वर्ड प्रॉब्लम ऑफ सब्ट्रैक्शन। नाउ सी दिस, राहुल बॉट रुपीज दिस फ्रॉम हिज फादर। ही बॉट अ पेन फॉर रुपीज 8.95। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम। लेफ्ट मतलब बचे। 20 रुपए कुछ पैसे का पापा से लिए, इतने का वो पेन ले आया, कितने पैसे बचे? क्या करोगे? माइनस करोगे। राहुल गॉट रुपीज 20.80 कॉस्ट ऑफ पेन। ही बॉट क्या थी? 8.95। मनी लेफ्ट विद राहुल क्या आएगा? माइनस करो 10 में से, इधर से बोरो लोगे, 0 में से 5 नहीं जाएगा, बोरो लोगे क्या हो जाएगा? 10 में से 5 गया 5, यहाँ क्या बचेगा? 7 नहीं होगा, इधर से बोरो लिया इधर, इधर से बोरो लिया इधर, 17 में से 9 माइनस करो फटाफट, 17 में से 9 गए, कितना बचेगा? 17 में से 9 करो, देखो 17 में से 9 माइनस करो, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, क्या हुआ? 8, yes. Now, इधर क्या बचा हमारे पास? 9, क्योंकि यहाँ पहले हमने इधर से बोरो लिया 10 था या 9, 9 में से 8 गया 1, और इधर से बोरो लिया था यहाँ 1 बचा, 11.85 रुपीज उसके पास बचे हैं। आई होप आप समझ गए हैं। ठीक है, नाउ आई मूव टू मल्टीप्लीकेशन। नाउ सी दिस मल्टीप्लीकेशन ऑफ मनी। अगर सिंपली लिखा है मल्टीप्लाई रुपीज दिस बाय 3 या फिर पैसे दिस बाय दिस मच, आप सिंपली कर लेंगे। 5 3 15 क्या आ गया? 15 रुपीज। अब अगर आप पॉइंट में है तब कैसे करेंगे? रुपीज 5.30 बाय 8, ठीक है, 8 की 0 से करी 0, 8 की 3 से करी 24, 8 3 जा 24, 2 यहाँ कैरी में आ गया, 8 5 जा 40 प्लस 2 42। अब पॉइंट कैसे लगाएंगे? यहाँ देखिए दो डिजिट से पहले पॉइंट है, 1 2, 2 से पहले, तो 2 से पहले यहाँ लगा दो, बस आ गया आंसर। आई होप आप समझ गए कितना आसान है मल्टीप्लीकेशन भी। अब इसकी देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम। नाउ द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज रुपीज 15.80। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स। एक पेन की कॉस्ट दी है, 4 की निकालनी है। जब भी आप कम चीज दे रखी हो, ज्यादा की निकालनी हो, मल्टीप्लाई। ज्यादा चीज दे रखी हो एक की निकाल, अगर 4 पेन की कॉस्ट दी होती आपको, एक की निकालनी होती आप डिवाइड कर देते। एक पेन की कॉस्ट दी है, 4 की निकालनी है, मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ सी हियर, कॉस्ट ऑफ अ पेन कितनी है? कॉस्ट ऑफ अ पेन 15.80। कॉस्ट ऑफ 4 पेन क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 4, 4 की 0 से 0, 8 4 जा 32, 3 कैरी में, 8 5 4 जा 20 प्लस 3 23, 2 कैरी में, 4 1 जा 4 5 6, पॉइंट 2 से पहले लगेगा, 2 से पहले, कॉस्ट ऑफ 4 पेन इज रुपीज 63.20। आई होप आपको आ गया मल्टीप्लीकेशन भी। अब डिविजन देखते हैं। नाउ डिविजन ऑफ मनी, डिवाइड 96 पैसे बाय 4। सिंपली डिवाइड कर दीजिए 4 से 96 को, 4 टू जा 8, माइनस करेंगे तो 9 में से 8 गया 1, 6 यहाँ आया, 4 4 जा 16, माइनस करेंगे रिमाइंडर 0, आंसर इज 24 पैसे, क्योंकि 96 पैसे थे, अगर रुपीज होता तो रुपीज आता। ठीक है, अब देखते हैं इसके वर्ड प्रॉब्लम। नाउ सी द वर्ड प्रॉब्लम। 7 एंट्री टिकट ऑफ जू कॉस्ट दिस मच। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 टिकट। अभी मैंने आपको मल्टीप्लाई में बताया था, ज्यादा चीज दे रखी हो कम पूछी हो, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, देखिए 37.80 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि 7 एंट्री टिकट है। नाउ 7
37 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो हम ये दोनों डिजिट्स देखेंगे। 7 5 35 माइनस किया तो 2 बचा। अब यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, कोई बात नहीं, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर। अब 8 को नीचे कॉपी कर लीजिए, 7 4 28 माइनस करा, 0 आ गया। ये 0 जो बचा यहाँ आ गया, आपका आंसर आ चुका है। एक टिकट की क्या कॉस्ट है? 5.40 रुपीज। ठीक है, नाउ अब बारी है आज के मैथ फैक्ट की। सो टुडेज मैथ फैक्ट, फर्स्ट रुपी इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय शेरशाह सूरी। आई होप आप समझ गए, इजंट इट इंटरेस्टिंग। So in this I have told you the ultimate concept of money and a unique math fact. Keep watching my series. Bye bye. Happy learning. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel, and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.